ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम और बात करने वाले हैं सैमसंग के उन स्मार्टफोन्स के बारे में जिनको कि नए FOTA अपडेट्स मिले हैं। एंड यहां पर सैमसंग के काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं जिनको कि काफ़ी बेटर और बढ़िया बढ़िया FOTA अपडेट्स मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। यहाँ पर जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो सैमसंग की एम सीरीज़ में से है। अब जाहिर सी बात आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे। यहाँ पर सैमसंग के M11 को एक नया FOTA अपडेट मिला है, जहाँ पर कि जुलाई 2021 का सिक्योरिटी पेच लेवल हमें इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है। 114 MB के आसपास के में अपडेट फाइल इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है, जिसके बाद में इस स्मार्टफोन की जो स्टेबिलिटी है उसको सैमसंग ने इम्प्रूव करा है। साथ ही साथ यहाँ पर इस डिवाइस का जो कैमरा है वो लो लाइट के लिए जो है थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा, विच इज़ ग्रेट। यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो भी सैमसंग की एम सीरीज़ के स्मार्टफोन के लिए है। हालांकि यहाँ पर जो ये स्मार्टफोन है वो है सैमसंग का M30S। सैमसंग ने अपने M30S के लिए एक नया FOTA अपडेट रिलीज़ करा है। यहाँ पर अपडेट का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। 111 MB के आसपास की अपडेट फाइल हमें देखने को मिल जाती है। जून 2021 का सिक्योरिटी पेच लेवल हमें देखने को मिल जाता है। एंड किस किस ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है सभी को क्रिएटिव वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, एक साथ ही मैं आपको बता दूँगा। वैसे यहाँ पर बात की जाए इस अपडेट के बारे में, तो इस अपडेट के थ्रू सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के अंदर का जो वाइब्रेटर है बेसिकली वाइब्रेशन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कराया है। एंड आपको जो है बेटर जो है फीडबैक मिलेगा वाइब्रेटर से, विच इज़ ग्रेट। एंड जो यूज़र है वो ही बता सकता है। यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग के गलेक्सी S21 Ultra के लिए। सैमसंग ने अपने S21 Ultra के लिए भी यहाँ पर एक नया FOTA अपडेट रिलीज़ करा है। इस अपडेट के थ्रू सैमसंग ने अपने इस स्मार्टफोन का जो फ्रंट कैमरा है वो इम्प्रूव करा है। साथ ही साथ इनकमिंग कॉल कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करा है, यानी कि आपको कॉल क्वालिटी जो है बेटर देखने को मिल जाएगी। नेटवर्क्स में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया गया है सैमसंग S21 Ultra के अंदर। यहाँ पर डिवाइस की स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव की गई है। 266 MB के आसपास का अपडेट फाइल देखने को मिल जाती है, जहाँ पर कि अगस्त 2021 का सिक्योरिटी पेच लेवल देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर। एंड इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होती है। यही था आज की इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Signing out.